सोना के गांव दौला में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोगों ने पहाड़ों और खेतों में तेंदुए को बहुत तलाश किया, लेकिन देर रात तक उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। गांव में तेंदुए के आने से लोग पूरी तरह से सतर्क रहे और रात भर अपने अपने मकानों और जानवरों की रखवाली करते नजर आए। इस दौरान गाँव के लोगों ने जीव जंतु विभाग को भी फोन किया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने लोगों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुए का पहले फोटो लेकर आओ, उसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। हालांकि तेंदुए के दस्तक के बाद लोगों में पूरी तरह से भय का माहौल बना हुआ है। लोगों की प्रशासन से गुहार है कि तेंदुए को पकड़ा जाए। इनकी संख्या 2 से 4 के बीच बताई जा रही है। वहीं बताया कि पानी की वजह से यह जानवर मंदिर के पास बने जौहड़ के पास आते हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि जीव जंतु विभाग इन जानवरों के लिए पानी का इंतजाम कराए, ताकि ये जंगली जानवर नीचे ना सके। तो मैं यहाँ पे समझो कि मंदिर भी है, पीछे तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, पहाड़ के किनारे एकदम, उसमें बगल में समझो कि मंदिर है। उस मंदिर में मैं शाम को वहाँ देखने के लिए गया कि यहाँ श्रद्धालु आते जाते हैं, तो मैं भी उधर मंदिर तरफ गया। जैसे ऊपर चढ़ा मैंने देखा कि पीपल का पेड़ है उसके सामने, जो शनिदेव मंदिर के सामने हम खड़े हैं पीछे, ये मंदिर पे आया पीछे में। और जैसे मैं आया, मेरे से करीबन 2-5 हाथ सामने एक 3 चीते खड़े। पहले तो मैंने सोचा कोई कुत्ते होंगे, यहाँ जंगली जानवर घूम रहे होंगे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो मेरी तो हवा खसक गई। और जैसे मैंने उनको देखा, मैंने शोर मचाया, शोर मचाने के बाद वो चूते पीछे तरफ कूद गए तालाब तरफ। तो तालाब तरफ कूदने के बाद हमने फिर तो वहां से भग गया। मैं कुछ लोगों को मैंने वहां से बुलाया, जो श्रद्धालु आते हैं उन्होंने भी शोर मचाया, जैसे लोग खड़े हैं, इन लोगों ने भी कई लोगों ने देखा वहां से। फिर मैं बुलाया, 15-20 लोग आए वहां से, देखा श्रद्धालु लोग आए और देखे कि हाँ यहाँ तो मतलब तालाब का किनारा और लोग तो पानी पीने तो आएंगे पशु पक्षी। तो मेरा अनुरोध यही है कि जो है वन विभाग के जो पशु पक्षी वाले विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे मेरी अनुरोध है कि आकर के यहाँ थोड़ा देखा जाए और इनको व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं जी, और रात को 10-11 बजे तक आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ भजन कीर्तन भी चलता रहता है। इससे पहले भी देखे गए थे? इससे पहले भी देखा गया, पिछले शनिवार को भी देखा मैंने। 3-4 2 बच्चे भी थे, 3 शेर थे इनके साथ, शेर मतलब चीता, शेर नहीं थे, तो यहाँ खेल रहे झोल पे। तो मैं उनको देख के फिर भग गया। लोगों को सूचना दिया लेकिन कोई आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब लोगों को सूचना देता रहा मैं, लेकिन अधिकारियों के पास सूचना पहुंची लेकिन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। इसमें सर इस तरह की पहली कई घटनाएं हो चुकी है यहाँ। एक्चुअली यहाँ पहले हमारे यहाँ पालतू कुत्ते थे मंदिर के जी, धीरे धीरे वो मंदिर में वो कुत्ते गायब हो रहे हैं जी। और यहाँ कई गायों के साथ भी हादसा हुआ है, बकरियों वालों के साथ भी हादसा हुआ है। और ये हमारा 300-400 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो लोगों को यहाँ आना जाना लगा रहता है। जैसे गुड़गांव से भी लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई कल को कोई इतना बड़ा हादसा हो जाए कि प्रशासन उसके बाद इसमें कोई। तो जीव जंतु विभाग को कोई सूचना दी आपने? इससे पहले 2-3 बार सूचना दे चुके हैं और अभी तक उनका कोई इस तरह का रिस्पॉन्स ठीक से आया नहीं है। और तो समस्या तो है ही। तो प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से ये मांग करते हैं इनके लिए पानी का इंतजाम किया जाए और यहाँ मंदिर की जो सेफ्टी है थोड़ा बहुत उसमें कुछ। जानकारी के मुताबिक गांव में इससे पहले भी तेंदुए के आतंक को देखा गया है। तेंदुआ कई कुत्तों को उठाकर ले जाने के साथ साथ कई गाय को भी अपना शिकार बना चुका है, जिसको लेकर पहाड़ों के नजदीक रहने वाले किसानों में हमेशा भय का माहौल बना रहता है। इसलिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए। सोहना से संजय राघव, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।